देखो बच्चों, राइट इन डेसिमल एक नियम होता है, उस नियम को हम बता रहे हैं। जैसे 1/10 एक जीरो है, 1/100 दो जीरो है, 1/1000 तीन जीरो है, 1/10000 चार जीरो है। ऐसे सवाल में डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जब पेपर में आएगा, जब नवोदय का आप एग्जाम दोगे तो देखो ध्यान से। सबसे पहले 0 पॉइंट समय लगा दो, सब में इधर देखिए, सब में 0 पॉइंट 0 पॉइंट 0 पॉइंट 0 पॉइंट। अब देखो कितने जीरो है यहाँ पर और ऊपर कितना अंक है, एक एक जीरो, तो पॉइंट के फौरन बाद एक लिख दिया जाए। एक कितने जीरो है इसमें, मतलब पॉइंट के बाद दो यानी अंक होना चाहिए, तो दो अंक होंगे, एक तो जीरो होगा और एक होगा, क्योंकि ऊपर कितना है इसके समझ में आएगी। इसी तरीके से पॉइंट लगा, 1 2 3 कितने हैं, पॉइंट के बाद तीन अंक होना चाहिए, तो 1 2 इसमें से दो जीरो ले लिए और एक ले लिए, बोलो किसके समझ में आई। इसमें से एक जीरो लिया और एक लिख दिया। अब इसमें देखो, इसमें से एक जीरो काट दो, तीन जीरो आ गया, 1 2 3 और एक ही अंक आएगा, बोलो किसके समझ में आएगी वाली, आ गई सकते। इसका मतलब ये है, दूसरी बात, जैसे मान लो अब होता 3/1000, 3/1000, तो देखो ध्यान से, पहले लगाओ जीरो, फिर लगाओ दशमलव, लगा दिया, फिर इसमें कितने जीरो कटेगा, एक जीरो काट दो, एक जीरो काट दो और दो जीरो बचे, दो जीरो इसके आगे लगा दो और ऊपर कितना अंक है, आंसर बोलो किसके समझ में आया। यह एक था तो ऐसे आया, तीन है तो तीन लेके जाके, एक है तो यह एक लिखा गया। अब चलो दूसरा सवाल, अगर यह होता 45/10000 तब क्या करते, ध्यान से समझ लो। पहले लगाओ जीरो दशमलव, कितने जीरो कटेंगे, एक दो तीन, तीन अंक होना चाहिए इसके बाद, कितने होना चाहिए, तो क्या करेंगे, एक जीरो लगेगा दो अंक दिए, एक जीरो लगेगा और दो अंक दिए, 1 2 3, एक जीरो काटा, 1 2 3 1 2 3, इसके समझ में आएगा, आ गई सबके, थैंक यू वेरी मच।